SCST संशोधन 2018 के बाद इस एक्ट के बढ़ रहे दुरुपयोग को रोके जाने हेतु इस एक्ट में संशोधन कराए जाने के लिए जनजागरण समिति औरैया द्वारा प्रत्येक माह को 19 तारीख को भारत के महामहिम राष्ट्रपति को संबोधन ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय औरैया को दिया जाता है। उसी के क्रम में आज 27वां ज्ञापन जिलाधिकारी औरैया अभिषेक सिंह को दिया गया। ज्ञापन में महामहिम से निवेदन किया गया है कि इस एक्ट के द्वारा देश के गैर SCST वर्ग का शोषण किया जा रहा है। इस एक्ट के दुरुपयोग को रोके जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इस एक्ट के द्वारा देश के सामान्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह मांग की गई है कि समान नागरिक समान कानून के तहत हर वर्ग को उसी प्रकार की कानूनी सहायता एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए जैसे SCST वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। यह भी मांग की गई है कि यदि 26 जनवरी 2016 के बाद इस एक्ट के तहत जो भी मुकदमे दिखाए गए हैं एक कमेटी गठित करके उन मुकदमों की जांच कराई जाए। जिन लोगों ने फर्जी मुकदमा लिखाकर सरकारी सहायता प्राप्त की है वह मई ब्याज के वसूल की जाए तथा जिस व्यक्ति का उत्पीड़न किया गया है उसके नुकसान और मानसिक पीड़ा की भरपाई सरकारी खजाने से की जाए। जिला मुख्यालय ककोर पर जन जागरण समिति के अध्यक्ष महेश पांडे जगदीश सिंह पाल बलवान सिंह सेंगर सुरेश चंद्र राम रतन पाल मिलन चौबे एडवोकेट TP सिंह सुरेश कुमार राजपूत बलराम भदौरिया राम नरेश तिवारी रामनाथ त्रिपाठी अरुण कुमार एडवोकेट संत कुमार तिवारी आदेश त्रिपाठी द्वारा ज्ञापन दिया गया। तहसील औरैया में देवेंद्र गुप्ता सचिन गुप्ता अजीतमल में आसाराम निषाद पूर्व प्रधान एडवोकेट नरेश दुबे तहसील बिदुना में विकासखंड सहारा में प्रमोद सविता अंजुल प्रबल सक्सेना शशिकांत अरुण तिवारी विकासखंड अछलदा में अखिलेश शर्मा दंगल सिंह भदौरिया राम नरेश अमित कुमार नीरज पाठक नारायण मिश्रा एवं विकासखंड एरवा कटरा में नारायण सेवक गुप्ता पूर्व प्रधान द्वारा ज्ञापन दिए गए। जनजागरण समिति के मीडिया प्रभारी राम नरेश तिवारी ने बताया कि यह ज्ञापन व धरना तब तक चलता रहेगा जब तक इस एक्ट का दुरुपयोग रोके जाने के लिए कोई संशोधन नहीं हो जाता। अगले माह 19 दिसंबर दिन शनिवार को धरना दिया जाएगा। SCST एक्ट के द्वारा सताए गए लोग इस कानून के दुरुपयोग के विरोध में अपनी आवाज उठाएं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए औरैया से संवाददाता हाँ, आपका क्या नाम है? महेश चंद पांडे। हाँ बताइए, आप मुख्यालय किस कारण से आए? अगस्त 2018 में SCST एक्ट के विरोध में जो संशोधन हुआ है उस संशोधन के विरोध में चूँकि उसका दुरुपयोग बढ़ गया है उसको रोकने के लिए हम लोग अगस्त 2018 से हर महीने की 19 तारीख को लगातार जिला मुख्यालय पर ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देते हैं। यह ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित होता है। आज हम जिला मुख्यालय पर 27वां ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंप चुके हैं और आगे भी हर महीने के 19 तारीख को जिला मुख्यालय पर तब तक ज्ञापन दिया जाता रहेगा जब तक इस एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई संशोधन नहीं हो जाता। आपके समाज सेवी हैं क्या? जी।